नल योजना के तहत काम भइल बा, पानी आवता नहीं भैया? एकदम हतानी पानी ना गिरल हमनी में। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा माता? साल भर हो गए। ये कब से पानी नहीं खावत? अब साल भर ऊपर हो गए। पानी आवेला तो पानी के पैसा मांगी ना जा, कौन जा कि पैसा दे जा तो पानी दे जा, बिगड़ जाला तो पैसा देने जा, 20 गो 30 गो रुपया कोई देला तो आवेला, ना तो ना देला तो कोई ना जाने। आज दो दिन से पानी भी चला रहे हैं तो अपना सिर्फ सब्जी पटा करके और बंद करते हैं। वो बोलते अभी चालू है, वो बोलते हैं कि कोई पैसा नहीं दिया है कि हम चलाएंगे, जबकि 30 रुपया घर पीछे जो टंकी चलेगा उससे लेंगे तो हम चलाएंगे, देंगे पानी नहीं तो नहीं देंगे। मतलब चालू है लेकिन उसमें क्या है, दो दिनों में लोगों के घर तक पानी पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, उसमें एक कारण है। नमस्कार, दनेश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इसका लोकेशन बता देते हैं, बक्सर जिले से महज 35 किलोमीटर दूर राजपुर प्रखंड के नागपुर पंचायत के नागपुर गांव में ही मौजूद हैं। और ये वार्ड नंबर कितना है जी? ये वार्ड नंबर 3 है। अब हुआ है साहब ये कि देखिए, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो काम किया गया था नल जल योजना, उसको जमीनी लेवल पर कितना काम हुआ है, क्योंकि सरकार हो उसके लेकर बहुत बड़े बड़े तो दावे की है, लेकिन जमीनी लेवल पर कितना काम हुआ है इस पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। तो कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि जरा आइए और दिखाइए कि कितना बढ़िया काम हुआ है। देखिए आप, देखिए नल जल योजना के अंतर्गत जो है, आप देखिए क्या काम हुआ है, कितना पानी इसमें जाता है यहाँ के तो लोग ही बताएंगे क्योंकि हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि घरों में दूर दूर तक इसी तरीके से सभी के घरों में उम्मीद करते हैं कि लगा होगा और उम्मीद है कि पानी जाता होगा, और अब पानी जाता है कि नहीं जाता है यहाँ के लोग ही बताएंगे। और कैमरा पर्सन जी थोड़ा सा आ जाइए आगे, देखिए पंचायत में काबा इस सीरीज का नाम है और दिखाना चाहेंगे कि देखिए इसी तरीके का सबके घर में गया है। और थोड़ा सा आ जाइए और दिखाइए, इसमें अंदर आ जाइए थोड़ा सा और देखिए, आइए आइए कैमरा मैन जी आइए, थोड़ा सा आइए। अच्छा जी, ये चार इसमें से पानी देता है, इसमें कब से पानी नहीं दे रहा है? अच्छा बोलती नहीं है। जो बोलने वाला थोड़ा सा जी, जिनका ये घर है, अच्छा अच्छी तो आता है नहीं आता है दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये नल जल योजना है, ये बताएं पानी करा में कहीं ऐसा नहीं खेबत ना? अब ढेर दिन से देखे हो तभी लोग बाटे, लोग जानत हो हम तो होटल कहें, हम लोग कहें वह हाल भाई का आप पाँच को बता दो बचवा। हमारा घर में टंकी नहीं लग रहा है, नहीं खेल लगा टंकी, एक एक भी नहीं खेल लगा। आपके आपका और क्या नाम है आपका? अशरेसा परसवान। आपके घर में टंकी नहीं लगा? ना है, नहीं नल नहीं लगा? ना ना ना। पानी कब से बंद है इसमें? कहिए का बन है, कहिए का बन है, अभी तक पानी नहीं है ना? क्या वजह है? अब हम क्या बताएंगे क्या वजह है, कुछ वजह आपको बुझा रहा है? नहीं, हम लोग का नहीं बुझा रहा है। चलिए वजह कुछ भी हो लेकिन साफ इस बात पर हम कहेंगे कि जो सरकार नल जल योजना के लेकर बड़े बड़े दावे करती है और वेस्ट पैसा कहेंगे खर्च करती है, और जमीनी लेवल पर कितना पानी फेंक रहा है, चाचा जी थोड़ा सा हट जाइए, जमीनी लेवल पर आप कितना देख रहे हैं, ये तो एक ऐसा एक उदाहरण है। बाकी चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया पंचायत में काबा और देखते एका, हैं। एका बगल में है हमारा घर, डोटियो नहीं खेला गया। बाकी जब भी पंचायत चुनाव आता है, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, चाहे जिला परिषद हो, अपने बैनर तले लिखवाते हैं शिक्षित, कर्मठ, जुझारू और ईमानदार व्यक्ति। अब जमीनी लेवल पर कितना वो शिक्षित हैं और कितना ईमानदारी का काम करते हैं, देखिए एक पोस्टर लिखा है, आप देखिए कैमरा जी, कैमरा मैन जी दिखा दीजिए, देखिए लिखा है कर्मठ, सुयोग्य, शिक्षित, संघर्षशील एवं भावी प्रत्याशी। चलिए ये पहली बार खड़ा हो रहा है ना जी? चलिए तो इनका इसमें कोई दोष नहीं है ना। नाम का भाई माता जी के कर राव, नाम का भाई अमिता। अमिता जी बताइए, जो नल जल योजना के तहत काम भइल बा, पानी आवता? खूब पीने जा, पानी में कमी नहीं के। खूब पीने जा। चलिए आवते नहीं के भैया, एकदम हतानी पानी ना गिरल हमनी में। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा माता? साल भर हो गए। लॉकडाउन भर लॉकडाउन तो अबे ना के लोकरा से पहले के नहीं किया पानी, लॉकडाउन पहले से नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकता है पानी नहीं आने का? अब हमने के क्या जानते हैं, जो अपन सब्जी पटावा था ना, सब्जी पटता है, सब्जी पटता है, सब्जी पटता है जी। क्या नाम है आपका?
सुभावती। सुभावती देवी, क्या नाम आपका? मुनावती देवी। जो ये पानी आता है इससे सब्जी पड़ता है? नहीं, ये पानी से थोड़ा ना पड़ता, सनसेबुल से नहीं पड़ता है, ये तो पानी कभी नहीं आता है नल वाला। हाँ, तो जो पटवाता है ना पटवाता है। लगभग कितना दिन हो गया पानी का? रमेश बाबा का हमने करम रमेश खाना है हमने के, तो कितना दिन माता जी हो गया पानी का? साल भर ही तो जम गया। हाँ, साल भर हो गया। साल भर हो गया। कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि जरा भीड़ दिखा दीजिए, और भीड़ दिखा दीजिए, और ये भीड़ जो है एक उम्मीद है, और हमसे ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कोई मीडिया वाला आया है तो हमारे उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। लेकिन प्रतिनिधि साहब को भी हम चेता देते हैं कि आपका इस पंचायत चुनाव में पता गुल नहीं कर दिए तो कहिएगा। अब जानते हैं सबसे खास बात का है, नियम और कानून में रहकर किस तरह रहकर किसी को पछाड़ा जाता है वो पत्रकारिता कोई हमसे सीखे। बाकी ये लोग ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं हम इसको पैसा दिए, पैसा दे ले बानी चाची रोवा के ना, ना, ना पैसा तो नहीं दे ले ना भैया, जो सही बात तो नहीं चीज। हाँ। देखिए रियलिटी यही है, जमीनी लेवल पर काम बिल्कुल जो नल जल योजना के अंतर्गत काम नहीं हुआ है। और अभी आपको आंकड़ा दिखा देता हूँ कि कितना आंकड़ा जो है किस कार्य के लिए कितना आया है। बाकी जब लोगों से हम बातचीत कर रहे थे इन लोगों का आंकड़ा भी बताया कि एक एक कार्य के लिए 7-8 लाख ऐसा करके कुछ आया है। बाकी जमीनी लेवल पर कितना काम हुआ है आपको दिखाए भी, चलते हैं और दूसरे गली में और दिखाते हैं लोगों से। बाकी एक चाचा जी अधेड़ बुन है खड़े हैं, और ये भी कुछ कहना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं सर नल जल योजना को लेकर, जिसको लेकर आप पंचायतों में बड़े बड़े दावे तो करते हैं, और दावे को लेकर इस बार भी आप पंचायती चुनाव में आ गए हैं, और ईमानदारी का प्रतीक आप दे रहे हैं, अपने पोस्टर पर लिखवा रहे हैं ईमानदार। अगर ईमानदार होते, कैमरा मैन जी थोड़ा सा आ जाइए, अगर आप ईमानदार होते तो जो आप कैमरों में स्थिति आए देख रहे हैं शायद ये ऐसी नहीं होती। अगर शिक्षित होते तो शिक्षित व्यक्ति का काम होता है कि गलत और सही का पहचान करना। आपको ये समझ अगर होती सर तो आज हमको अपने कैमरे में कैद करके और आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी अब चाचा जी से बाइट लेंगे। नाम का भाई चाचा? हमारा दल सिंह प्रसवान नाम है। ये कब से पानी नहीं खाबत? साल भर ऊपर हो गई। साल भर ऊपर हो गई। हाँ। इकर टंकी कहाँ बैठल बा? रोड पर है, रोड पर सामने चावला। हाँ। ये मोहल्ला कौन वार्ड नंबर में आवेला? तीन नंबर में आवेला। हाँ। तीन नंबर कहीं? हाँ, तीन नंबर। अच्छा, तीन नंबर में लेकर प्रमुख के बा वार्ड नंबर तीन के? रमेश माला वाला। रमेश माला जी, याद रख लीजिए दर्शकों, नागपुर पंचायत में अभी हम हैं और वार्ड नंबर तीन में है, जिनका जो कि वार्ड प्रदेश के सदस्य कौन है जी? रमेश माला जी। हाँ, अब बताएं वहाँ शिकायत नहीं कीजिए कहले कि पानी नहीं खियावत, पानी चाहिए हमको। बहुत कुछ कहल बने पानी के विषय में। का रिप्लाई करता हम? जो पूछे जाए तो का कहलन? और कहल कि पानी आई आई, घबरा जा मत, तुरंत पानी आई, इधर बात बोल रहा। और कुछ ना कहलन? ना। और साल भर तक अभी पानी ना आई? ना, पानी नहीं खाओ जी सर। हाँ, पैसा कमा लन थोड़ा सा हट जी। चाची जी का तो आप कह रही थी, खुल कर कहिए बिल्कुल कहिए, खुल कर का कह दें। पानी आवेला तो पानी के पैसा मांगी ना जा, कौन जा कि पैसा दे जा, तो पानी दे जा बिगड़ जाला, तो पैसा देने जा 20-30 रुपया, कोई देला तो आवेला ना, तो ना देला तो कोई ना जाने। हाँ, पैसा देने जा। अब चाची नाम थोड़ा बता दी, नाम बता दी। हीरामोनी देवी। हीरामोनी, ध्यान से देखिए, हीरामोनी जी हैं और कह रही हैं कि जब भी टंकी में गड़बड़ी होती है तो इनसे पैसा मांगा जाता है। अब हम भी सोच चक्कर में है कि ये लोकतंत्र है कि तानाशाही है, समझ में नहीं आ रहा है, या निजी कण के तौर पर अपना बैठाए हैं कि सभी लोगों को सेवा कर रहे हैं कि पैसा मांगते हैं। आखिर किस बात के पैसा मांगते हैं जब सरकार समय से उनको वेतन देती है, और 7 निश योजना के अंतर्गत एक योजना में और एक वार्ड परिषद को 7 लाख रुपये का राशि आवंटन हुआ है, तो ऐसे गरीब मजदूरों को सताने का मतलब क्या हुआ, और ऐसे पैसा मांगने का मतलब क्या हुआ? सही में पैसा मांग ले बा? हाँ जी, दे ले बा जब पैसा मांगने के। सही है जी, सब लोग बोल दीजिए। सब्जी पटा के क्या कर रहे हैं? वो सब्जी पटाते हैं और आते हैं, मशीन बिगड़ जाता है ना, वो पैसा लेने आते हैं और गांव में लेते हैं पैसा। पैसा लेते हैं? एक व्यक्ति को कौन रुपया लेते हैं? 30 रुपया। सब असूल कर लेते हैं, ले जाते हैं, मशीन बिगड़ता है तो नहीं बिगड़ता है तो अपनी खेत पटाते हैं। कैमरा पर्सन जी थोड़ा सा दिखा दीजिए, इसमें जो है लकड़ी लगाए हैं भाई लोग, कोई भी हो लगाए हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए।
ये देखिए नल योजना के अंतर्गत काम पानी फेंकता है ना जी, इसमें से पानी फेंकता है, चालू होता तो साल भर से तो चालू नहीं है सर। हाँ अब सुनिए पानी फेंकने का मतलब ये है कि व्यंग है एक तरह करके, और वो हुक्मरानों की इस बात को समझनी चाहिए जो इस बार भी अपने काम के बदौलत अपने काम के बल पर बड़े बड़े लोगों से वादे और दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कितना सत्य है आज इसी के लिए TNP जो है ग्राम पंचायत नागपुर में है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये भी, यह है नल जल योजना। चाचा जी कब से स्थिति भाई सन सर, मान लीजिए कि 6 महीने से तो टूट गया, लेकिन ये साल भर से बंद है पानी, तो मान लीजिए इसका नतीजा ये हुआ। उनसे हम बोले, खुद वार्ड है जब टंकी बना, आपको चलिए हम सीरियल पर सामने दिखाते हैं, जब बना उनसे बोला कि सर वार्ड साहब ये टंकी जो बन रहा है स्लेप आप बना रहे हैं ये फट गया है छत, आपका ठेकेदार कैसा बनाया, तो वो बोल रहे हैं कि हम MB बुक नहीं किए हैं, आपको MB बुक नहीं देंगे जब तक वो दोबारा काम नहीं होगा। हम लोग पूरा 3 नंबर वार्ड को चकमा करके और पूरा अपना निकाल लिया, अब चुनाव मध्यम आ गया, आज से भी आज 2 दिन से पानी भी चला रहे हैं, तो अपना सिर्फ सब्जी पटा करके और बंद करते हैं। वो बोलते अभी चालू है, वो बोलते हैं कि कोई पैसा नहीं दिया है कि हम चलाएंगे, जबकि 30 रुपया घर पीछे जो टंकी चलेगा उससे लेंगे तो हम चलाएंगे देंगे पानी, नहीं तो नहीं देंगे। आप तो अपना वो बना करके और सब्जी चला रहे हैं, सब्जी का काम करके बंद कर देते हैं। तो आप लोग कभी सवाल खड़ा किए हैं कि सरकार इसके लिए पैसा देती है तो आप हम लोगों से क्यों मांगते हैं? उनसे बोलने पर बोलते हैं कि हम लोग को कुछ पगार नहीं मिलता है, हम लोग जो चलाएगा वो लेगा 30 रुपया, ऐसे वो बोले हैं। पगार नहीं मिलता है भाई, अब किस पगार की बात कर रहे हैं? और ये देखिए ये भी पगारे में आएगा है। और अब आगे आते हैं और दिखाते हैं, देखिए नल जल योजना के अंतर्गत ये है जमीनी लेवल और ये है जमीनी हकीकत। थोड़ा सा कैमरा मैन जी इधर मुड़ जाइए और दिखाइए थोड़ा सा, ये जो है देखिए इस तरीके के काम हो रहा है। घर तो बहुत अच्छे ही बना है, लेकिन देखिए जमीनी लेवल पर जो है ये नल जल योजना के अंतर्गत काम हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो राशि आवंटित हुई है वो कहाँ पर आखिर गटार मार ली गई है? क्या इसमें मुखिया मिले हैं, सरपंच मिले हैं, BDC मिले हैं कि ये वार्ड परिषद की कोई चाल है? खैर कुछ किसकी भी चाल हो वो तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन फिर आप स्थिति देखिए कि आखिर ये पानी दे क्यों नहीं रहा है। वार्ड नंबर 3 के जो अभी प्रमुख हैं हमारे साथ कैमरे पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नाम क्या हुआ सर आपका? हमारा रमेश नाम है। क्यों आप लोग पानी नहीं दे रहे हैं बताइए? मशीन बिगड़ गया था। कितने दिनों से मशीन बिगड़ी हुई? लमसम 3 महीने से। 3 महीने? 3 महीने से। अभी हम लोगों के बीच गए थे और बाइट ले रहे थे लोगों से, लोग कह रहे हैं कि साल भर से अधिक हो चुका है सर। सीधे जवाब दीजिए। हाँ सर, अगर मान लीजिए कोई कह रहा है जून से, तो जून आने वाला है, 2 महीने में जून आ जाएगा तो साल हो जाएगा, जबकि 3 महीने से 4 महीने से पानी बंद है, तो आदमी बोल रहा है कि जून से बाकी है। जब मशीन नहीं चलती, बहुत है बोरिंग अभी की, अभी चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों को 10 महीना पानी हम लोग पियाए हैं, लेकिन मशीन जब बिगड़ गया तो उस टाइम में सरकार से कि मान लो 10 रुपया ले लीजिए उसको बनवा लीजिए, लेकिन वो कुछ लोग देते था और कुछ लोग बोलता कि फ्री में गड़वाए मोदी इसका पानी देंगे, तो 700, 800, 300 इतना तक आ रहा था, तो हम अपने पॉकेट से इसको लगा करके चालू कर देते थे। आप अपने पॉकेट से लगाते थे? हम लगाते थे कि जनता को पानी मिले। कुछ लोग ऐसे थे व्यक्ति उसमें जो कि 30 रुपया महीना भी दिए हैं, लेकिन मान लीजिए 160। अब हमारा सवाल, इसमें कितना लगा था बनवाने में? इसमें एक बार 1200 रुपया लगा था, 1200 लगा था, एक बार 700 लगा था, एक बार 300, एक बार 600। तो ये सब वसूली आप लोगों से ही किए? हाँ, ये लोग कभी मान लीजिए कि कभी ये लोग 600, कभी 400 ऐसे मैंने कलेक्शन करने पर हो जाता था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग जो है इसमें क्या करता है, सरकारी हो तो सरकार पानी देगा, हम लोग को पैसा नहीं लेगा, लेकिन हम लोग को बार बार मीटिंग में ही सुनने को मिलता है कि जिसके घर में नल का जल होगा उसे 30 रुपया मंथली करके लेना है। चलिए, हाँ आप रमेश जी हैं, आप वार्ड नंबर 3 नागपुर पंचायत के प्रमुख हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हमें मीटिंग में सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? मतलब पानी चलाना है, लोगों से पैसा लेना है। हाँ, 30 रुपया महीना तक असूली करना है। ये बात कौन कह रहा है? मीटिंग में होता था। मीटिंग में कौन कहते हैं लोग? अरे सब लोग अधिकारी रहते हैं, नहीं कुछ मीटिंग में कौन रहता है? सब अधिकारी लोग रहते हैं। हाँ चलिए,
आप इसकी शिकायत नहीं किए? अभी देखिए हमारे पास यही आया था, उन्होंने बोला कि रमेश टंकी आपका इधर आ जाइए थोड़ा सा। टंकी बंद है। हम कहें हाँ सर हमारा टंकी इस टाइम में बंद है। क्यों? हम कहें उसका मोटर जल गया है सर। इसके पहले जो छोटा मोटा इसमें आता था तो हम लोग अपने से कर देते थे, लेकिन इसमें मोटर जर गया है और स्टार्टर जर गया है, स्प्लाइजर जर गया है। इसमें लमसम 12,000 रुपया लमसम खर्चा है। उसने बोला कि देखिए किसी तरह से उसको चालू करवा दीजिए। तो अब जब वो बोले कि किसी तरीके से चालू करवा दीजिए तो आप क्या बोले? हम बोले कि सर हम खोलवाते हैं मोटर, खोलवाए और उसके पास दिए, बनाने वाले के पास दिए, मतलब पैसा का व्यवस्था करना है। तो 2 महीना लग गया, तो इस टाइम में मशीन बंद गया, चालू हो गया और पर देर पानी चलेगा, उसमें कोई शिकायत नहीं आएगा। कब से पानी चलेगा? पानी चालू हो जाएगा। कब से? अरे 2 दिन में चालू हो जाएगा। 2 दिन में चालू? 2 दिन मतलब चालू है, लेकिन उसमें क्या है, 2 दिनों में लोगों के घर तक पानी पहुंच जाएगा या नहीं? पहुंच जाएगा। उसमें एक कारण है, इसका तार जो था जब हम लोग मोटर को निकलवाया उस टाइम में मतलब इसका टोटल 4 चुरा लिया, तो उसमें तो भाई खर्चा लगेगा किनने में, तो पैसा का जरूरत है, पैसा आया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगा, 2-4 दिन। जैसे 2-4 दिन के बाद पैसा चिट्ठी होते हैं तो इसमें तार और जो है लग जाएगा और मोटर भी लग गया इसका। आज से दिखा दीजिए कैमरामैन जी, खराब है? हाँ खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है, ये दोनों जल गया है। चलिए दोनों जल, तो आप कह रहे हैं 2 दिनों में पानी चालू हो जाएगा। चलिए व्यक्ति से जाकर बैठ लेते हैं। हाँ 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। अब देखिए ये मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत काम होता है, नल जल योजना। सरकार ही इसकी जिम्मेदार है कि अगर कोई बिगड़ता है इसमें से कोई भी थिंग सामान हो तो सरकार ही इसका आवंटित करेगी पैसा, तब आप लोगों से क्यों लेते हैं? जब सरकार आवंटित करेगी तो हम लोग को क्या लेना है उसमें? एक पैसा नहीं हम लोग लेंगे, लेकिन सरकार को आवंटन करना पड़ेगा। हम लोग को क्या है, मशीन बिगड़ गई है, आप चालू करवाइए। हमको यही नियम है कि हमको सुबह से 2 घंटा चाहे 3 घंटा जो भी पानी देना है, अगर हम नहीं देंगे तो उसका जिम्मेवार हम है। लिखित आप आवेदन दिए इसके? अभी कैसे, अब दे रहे हैं ना, अभी तो हम लोग का मतलब प्रक्रिया चल रहा है, कागज पत्र चल रहा है। अगर पहले से तो आपको लिखित आवेदन पहले देने चाहिए थे ना? बोला था हमको, जैसे बोला था, हमने कहा कि नहीं उसको हम बनवा देंगे। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत जो भी राशि आवंटित होती है वो मुख्यमंत्री के अधिकोष से जारी होती है, और अभी ये कह रहे हैं कि बिगड़ा था और लोगों से पैसा वसूलते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमको मीटिंग में सिखाया जाता है कि अगर इसमें सामान बिगड़ता है तो लोगों से पैसा वसूलना है, लेकिन सरकार से मेरा सवाल है कि कैसा पैसे की बात कर रही है? हाँ आपका घर, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए कि जो जिसके घर में जल का नल जाता है उससे 30 रुपया मंथली लेने के लिए सरकार बोल रही है। सरकार बोल रही है? हाँ आपको मीटिंग में ही बताया जाता है? नहीं बताया जाता है, वीडियो से बताया है। चलिए वीडियो से बताया, बीपीएल से बताया है। चलिए ये इनकी गलती नहीं है, ये बड़े बड़े जो अधिकारी है कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है, कोई सामान बिगड़ता है तो उसको जनता से पैसा लेना है। तो अब एक सवाल जो है, अब एक सवाल TNP न्यूज से, वो बड़े बड़े अधिकारी से, चाहे BDO साहब हो चाहे कोई भी बड़े अधिकारी है, कि आप किस पैसा का हिसाब मांगते हैं लोगों से, क्यों आपको लोग पैसे दें? इसके लिए लगभग 7 लाख या 8 लाख ऐसा आवंटित राशि इसके लिए आती है, इसके बावजूद आप जनता से 30-20 करके लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है? ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और जब देखिए जमावड़ा जरा दिखा दीजिए, लोग को देख रहे हैं, लोगों के आंखों पर और होठों पर एक ही विश्वास है कि हम कुछ आए हैं तो कुछ अच्छा होगा। अच्छा भाई तेरा मैं जी, पानी कब से देने लगेंगे आप? पानी 3 दिन में चालू, मशीन बन गई बा, 3 दिन में, 3 दिन में पानी चालू हो जाएगा, ठीक है? ठीक बा सरकार, ठीक बा। आप किसी को कोई शिकायत है तो बोल सकता है।